ओ हेलो फ्रेंड्स, मैं हॉन्स और आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। सो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मी यू आई थीम के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर आ चुके हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको पहले ही मिलते रहें। सो फ्रेंड, बहुत बढ़िया थीम जो मेरे को लगा, जो मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, वो आप कोई भी अप्लाई कर पाएंगे। ये जो आप देख सकेंगे, तो मैंने चाइनीज़ थीम आप इंस्टॉल की अपने डिवाइस के अंदर, इसलिए ये आ रहा है मीवा 12 की। आपकी भी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहते हैं तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये कौन सा वर्ज़न है। वर्ज़न 2.0.3.1 वाला वर्ज़न है फ्रेंड। सो बहुत अच्छे तरह से वर्क, मतलब कुछ चीज़ें चाइनीज़ वालों ने एक अनवर्केबल कर दी है। तो फ्रेंड, आप थीम को मैं सजेस्ट करूँगा पहले ही डाउनलोड कर लें, फिर अपडेट करें इस वर्ज़न पर, नहीं तो आपका मतलब वो थीम डाउनलोड नहीं होगा, प्रॉब्लम आ सकती है। अगर चाइनीज़ रूम है फिर तो हो जाएगा आसानी से। तो फ्रेंड, फर्स्ट थीम ये है iOS 13X Pro, सर्च करेंगे आपका आ जाएगा। मैं इस पर भी करके दिखा सकता हूँ आपको। iOS 13X Pro, बहुत सारे iOS के थीम आ चुके हैं फ्रेंड्स। मेरा वाला थीम iOS 13X Pro बड़े आइकन्स पे आएगा। एक्स प्रो कर दें। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आईफोन के थीम आ जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया थीम है यहाँ पर। आप बहुत से थीम डाउनलोड कर सकेंगे, लेकिन इस थीम का लिंक अभी इसमें दिखा नहीं रहा है। मैं आपको डाउनलोड का लिंक दे दूँगा इस थीम का। यहाँ पे लिखा हुआ है ये थीम क्या क्या सपोर्ट करता है। ये MIUI की वेबसाइट है, आप भी इस पर रिसर्च कर सकेंगे जितने भी थीम्स हैं। तो फ्रेंड, इस पर ये ऐसा ब्लैक ब्लैक इसलिए आ रहा है, ये रीच नहीं हो रही है। ये देखिए खुल चुका है। आप इनका टेलीग्राम ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी थीम्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, अभी इस थीम के बारे में बात करते हैं। काफ़ी अच्छी सी लुक लग रही है। ये देखिए नोटिफिकेशन बार चेंज हो चुका है, और ये देखिए आइकन्स इतना कुछ बढ़िया लग रहा है। सो फ्रेंड, अब इसे कस्टमाइजेशन के बारे में देखते हैं। ये कैंसिल कर देते हैं। ये लोग स्टाइल की कस्टमाइजेशन भी आप कर सकेंगे, कस्टमाइजेशन थीम है। यहाँ पर डार्क मोड ऑन कर दें तो बहुत बढ़िया लगेगा। अगर आपका वॉलपेपर डार्क लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये नोच मैंने लगा दिया है। नोच लगा देने के बाद अब आईफोन एक्स का नोच आचेगा। मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ गाइस। ये देखिए नोच अच्छे से वर्केबल है, और ये बिल्कुल आईफोन की तरह की लुक हो चुकी है फ़ोन की। सो अब हम अपने डिवाइस को अनलॉक करते हैं। सो फ्रेंड, आगे होगा आपका। सो और नोच के अंदर, होम स्क्रीन के अंदर भी नोच दिखा रहा था, अब दिखा नहीं रहा है। मैंने पहले होम स्क्रीन में भी लगा दिया था। स्मार्टफोन आईफोन एक्स कर देते हैं। चार्जिंग स्टाइल तो आईफोन वाली लगी हुई है। तो नीचे आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया फीचर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ज़्यादा नीचे आपको जाने की कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। ये वेदर चैनल है, आप यहाँ पर ही ये बढ़िया फीचर है। आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, स्वाइप अप टू अनलॉक, कुछ भी लिख सकते हैं। FF Max, अब देखेंगे लॉक स्क्रीन खोलने पे FF Max आ जाएगा यहाँ पे। FF Max। सो फ्रेंड, मैंने अपनी डिवाइस को अनलॉक ले लिया है। यहाँ पे आप फेस आईडी भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरे को इतना कुछ नहीं है अनलॉक करना, ना फेस आईडी सेट करनी है। फिंगरप्रिंट भी लग जाता है, लेकिन हमें क्या लेना है इस फिंगरप्रिंट से। लॉक स्क्रीन, राउंड कॉर्नर्स, अभी दिखाते हैं आपको।
ब्लैक फॉन्ट डार्क वॉलपेपर, यहाँ पे जैसे टू कर देते हैं, ये देख सकेंगे आप वॉलपेपर कितना अच्छी तरह से डार्क हो चुका है, कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। और मैंने कॉर्नर्स को भी राउंड कर दिया है। और अभी इस पर क्लिक करने के बाद ये जो है अनलॉक हो जाएगी। तो फ्रेंड ये था इतना बढ़िया मीओआई का थीम, आप भी इस थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबा देना। थैंक्स फ्रेंड्स।